अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वसीम रमजान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल HW अर्निंग हैक्स। मैं अपने इस चैनल के ऊपर एडस्टीरा का अर्निंग कोर्स जो है वो अपलोड कर रहा हूं और इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हुई हैं। एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, जो आज की वीडियो में भी कह रहा हूं कि मैं एडस्टीरा के रिलेटेड ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाने वाला कि मैं कहूं कि आप लोग एक क्लिक करें और आप लोगों को इतने डॉलर मिल जाए। इस तरह का मेरे भाई कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी ऑडियंस को रियल मेथड दूं, रियल अर्निंग ट्रिक्स दूं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को काम करना पड़ेगा। कोई फेक क्लिक नहीं लेके आऊंगा। ये नहीं कह रहा कि आप लोग यहां से VPN लगा लें, ये कर लें, वो कर लें, ऐसा कुछ भी भाई नहीं कह रहा। आज की वीडियो में जो आपको मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं ना, इसके अंदर VPN भी नहीं है, इसके अंदर खुद हम लोगों ने क्लिक भी नहीं करना। इस मेथड के अंदर आप लोग रियल यूएस यूके जो टॉप CPC कंट्री है ना, वहां से ट्रैफिक लेके आएंगे और आज हम लोग यहां पे आप लोगों को मैं रेवेन्यू जनरेट करके दिखा दूंगा। लेकिन ये मेथड है, आप लोगों को रोजाना कम से कम आधा घंटा जो है काम करना पड़ेगा रोजाना, तो आप लोग अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे, क्योंकि ये एक रियल अर्निंग मेथड है, ये फेक नहीं है। कोई हम लोगों ने फूल नहीं बनाना, कोई हम लोगों ने फेक क्लिक बिल्कुल नहीं लेने। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों ने करना क्या है। हमें सिर्फ दो प्लेटफॉर्म चाहिए होंगे आज जिसके ऊपर हम लोगों ने काम करना है। एक एडस्टीरा, आप लोगों को पता ही है एडस्टीरा का अकाउंट किस तरह बनता है। सेकंड जीमेल, डेफिनेटली जीमेल भी सबका होगा, क्योंकि जीमेल है तो आप लोगों का एडस्टीरा का अकाउंट बना हुआ है, तो ये दोनों चीजें आप लोगों के पास होंगी। लेकिन इनके ऊपर अब आप लोगों ने क्लिक किस तरह लेनी है, इतनी ज्यादा ट्रैफिक किस तरह लेनी है, ये आपको मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है मेरे भाई, एडस्टीरा के अंदर आप लोगों ने डायरेक्ट लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। यहां पर हम लोगों ने डायरेक्ट लिंक जो है यहां से नीचे आएंगे और क्रिएट डायरेक्ट लिंक के ऊपर हम लोग क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। यहां से आप लोगों ने नॉन अडल्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहां से गॉट इट, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये जो हमारा है यहां पर, ये देखिए पेंडिंग के अंदर ये वाला जा रहा है, ये 30 सेकेंड लगाएगा, उसके बाद हम जैसे रिफ्रेश करेंगे ये हमारा डायरेक्ट लिंक जो है वो एक्टिव हो चुका होगा, ठीक है। तब तक हम लोग क्या करते हैं, अपना दूसरा काम करते हैं कि हम लोगों ने सेकंड काम क्या करना है। यहां पे आ जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं और यहां पर मैं इसके अंदर लिख देता हूं वेब क्रोम स्टोर, ठीक है। आप लोगों ने ये लिख लेना है वेब स्टोर, वेब क्रोम स्टोर। आप लोग जैसे ही लिखेंगे यहां पर हमारे पास ये जो पहली साइट है इसी को ही हम लोग ओपन कर लेते हैं, ठीक हो गया। क्रोम वेब स्टोर, ठीक है, क्रोम वेब स्टोर आप लोगों ने लिखना है। सॉरी मैंने गलत लिखा था ऊपर, क्रोम वेब स्टोर। आप लोगों को पता ही है ऑनलाइन जो है इसका स्टोर है विंडो का, यहां से हम लोग डाउनलोड एक्सटेंशन वगैरह कर सकते हैं। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सर्च एक्सटेंशन के ऊपर मैं लिख देता हूं ईमेल एक्सट्रैक्टर, ठीक है। आप अच्छा जी, ये देखिए ये हमारे पास ईमेल एक्सट्रैक्टर जो है वो आ चुकी है और यहां पर इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूं। क्लिक करने के बाद यहां पर सिंपली इसको मैंने क्या करना है, ऐड टू क्रोम कर देना है, ठीक हो गया। और यहां पर इसको मैं ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अच्छा जी, यहां पर अभी मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, आप लोगों ने पेशेंस रखनी है, इसलिए मैं कुछ चीज स्किप नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं आप लोगों को सारी चीजें मैं साथ साथ दिखाऊं। ये देखें यहां पर ये ऊपर डाउनलोड हो रही है, ये डाउनलोड हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहां पर ये देखें हमारी वो एक्सटेंशन ऐड हो चुकी है यहां पर। अब हम लोगों ने करना क्या है, ये जो हमारे पास साथ वाला ऑप्शन है एक्सटेंशन का, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसको पिन कर देते हैं, ठीक हो गया जी। ये देखिए हमारी पिन हो चुकी है। अब बेशक हम लोग एक नया यहां पर ब्राउजर ओपन कर लेते हैं, इन दोनों को हम लोग यहां पे क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। हम लोगों ने ईमेल जो है उसको ओपन कर लिया है। अब आप लोगों का मेन काम यहां से स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों ने ये चीज मेथड गौर से देखना है, इसी के ऊपर रोजाना आप लोगों ने काम करना है। यहां पर हम लोगों ने क्या करना है, डबल कॉमा लेना है, ठीक हो गया। और यहां पर हम लोगों ने टॉपिक लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं जी हेल्थ, ठीक हो गया। स्पेस देंगे, फिर हम लोग डबल कॉमा डालेंगे, यहां पर कंट्री लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यूएसए लिख रहा हूं, ठीक है। फिर इसको डबल कॉमा देंगे, स्पेस देंगे,
और gmail.com ये देख लें। ये आप लोगों ने मेथड कहीं कॉपी करके रख लेना है, ये वाला फॉर्मेट हमेशा आप लोगों ने यही फॉर्मेट लिखना है। बस करना क्या है, यहां पर कंट्री और यहां पर हम लोगों ने हेल्थ की जगह ब्यूटी फिटनेस जितने भी और टॉपिक होते हैं उनको चेंज करते जाएंगे। आप लोगों ने बस फॉर्मेट यही रखना है। इसको रख के मैं यहां पर कर देता हूं क्लिक। अब गौर से देखना, मैं आप लोगों को कैसा जादू दिखाने वाला हूं, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, यहां पर अब क्या है कि ये देखिए, इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, स्क्रॉल करते जाएं, यहां पर मोर रिजल्ट के ऊपर आ जाते हैं, ठीक हो गया। यहां पर मैंने मोर रिजल्ट के ऊपर क्लिक कर दिया, अभी नीचे और भी ओपन हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहां पर ये ऊपर आपने एक चीज देखी है, जो मैंने एक्सटेंटर यहां पर पिन लगाई थी, यहां पर ये 9 आ रहा है, ठीक हो गया। पहले यहां पर 0 था, इसको हम लोगों ने अभी ये ओपन होता है तो ये देखें, मैंने और इसको ओपन कर लिया, अब कितने हो गए हैं 11। और इसको मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं, अब यहां पर ये भी देखना, ये और भी अपडेट हो जाती हैं, तो यहां पर ये देखें 12, ये अपडेट होता जाएगा। आप लोगों ने, मेरे पास थोड़ा सा नेट स्लो है जिस वजह से ये स्लो हो रहा है, 14 हो चुके हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, इसको नीचे स्क्रॉल करते जाना है, मोर रिजल्ट पे क्लिक करते जाए, इसको नीचे स्क्रॉल करते जाए। आप लोगों ने 200-300 या 500 तो आराम से स्क्रॉल करके इसको नीचे लेके जाना है, ठीक है, ये कर लेना है। उसके बाद इसी के ऊपर आप लोगों ने जो एक्सटेंशन है इसके ऊपर हम लोगों ने क्लिक कर देना है, ठीक है। ये देखें क्लिक हो गया, जितनी भी मेल थी सारी ओपन होके आ गई है। यहां से आप लोगों ने इसको ऐसे करना है कॉपी, और लास्ट वाली छोड़ देनी है, वो हमारी अपनी होगी जिस मेल के ऊपर हम लोगों ने ये बनाई है, ठीक है, लास्ट वाली छोड़ देनी है, उसके ऊपर सारी मेल आ जाएंगी। इन मेल को अब हम लोगों ने यहां से कर लेना है कॉपी, ठीक हो गया। ये मैंने सिर्फ 18 लिखाई है, आप लोगों ने 200-500 निकाल लेनी है, ठीक हो गया, ये एक टॉपिक के ऊपर। अच्छा, उसके बाद अब मैंने टॉप का कंट्री निकाला है ना, यूएस, ठीक हो गया। आप लोगों ने क्या करना है कि कंट्री जो है ना उसको चेंज करते जाना है। पहले आप लोगों ने एक कंट्री रखना है यूएस, और टॉप 10 टॉपिक निकाल लेने हैं, हेल्थ फिटनेस ब्यूटी आगे पीछे ये सारे टॉपिक निकाल के ना आप लोगों ने एक कंट्री की सारी मेल निकाल लेनी है। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है कि यहां से कंट्री चेंज कर देना है यूएस के बाद, यूके की बहुत ज्यादा सीपीसी होती है, और दोबारा वही वन बाय वन टॉपिक सर्च करते आना है, यूके की सारी मेल निकाल लेनी है, फिर जर्मनी की निकाल लेनी है। अब इन मेल का आगे करना क्या है हम लोगों ने, यहां पर मैं एक और ब्राउजर ओपन करता हूं, ठीक है, और यहां पर अपनी जो जी मेल है इसको मैं यहां से ओपन कर लेता हूं, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये तो आप लोगों को समझ आ गई है ना कि इसका क्या करना है। आप लोगों ने इसी तरह जो है ये नीचे स्क्रॉल करते जाना, यहां पर ये मेल सारी आती जाएंगी, उन मेल को आप लोगों ने पहले एक कंट्री के कुछ 10 टॉपिक रख लें, यूएस के, फिर यूके के, फिर जर्मनी के, ठीक है, यहां से कंट्री चेंज करते जाना है, यहां पर टॉपिक चेंज करते जाना है। अब मैं आपको बता देता हूं करना क्या है, और हम लोगों ने, ये बहुत रियल ट्रैफिक है, मजे की बात है, इससे आपका अकाउंट भी सस्पेंड नहीं होगा क्योंकि ये एक्चुअल में क्लिक आने वाले हैं, ठीक हो गया। मैं आपको सारी चीज समझाता हूं आप लोगों ने करना क्या है। यहां पे मेरी ये मेल ओपन हो रही है, सॉरी थोड़ा सा मैं आप लोगों से अगेन माजरत करना चाहता हूं, मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है। अच्छा जी, यहां पे कंपोज के ऊपर हम लोग क्लिक कर देते हैं, ये हमारा कंपोज वाला ऑप्शन ओपन हो गया। यहां टू में ना हम लोगों ने जितनी भी मेल कॉपी की होंगी सारी, आप लोग बेशक 500 दे दें कोई मसला नहीं है, ठीक है, मेल सारी हम लोगों ने दे दी। अब यहां पर नीचे हम लोग, हमारा मेन काम है, हम लोग क्या करते हैं अपने चैट जीपीटी में आते हैं। यहां पर मैंने पहले हेल्थ लिखा हुआ है ना, तो मैं लिख देता हूं जी 5 टिप्स फॉर हेल्दी लाइफ, ठीक हो गया, मैंने ये एक लिख दी चीज चैट जीपीटी के ऊपर आ गया हूं। अब आप लोगों को मैं दिखाता हूं एक्चुअली में चीज है क्या और हम लोगों ने क्लिक लेने कैसे हैं। यार मैं आपको यकीन कर जाए रियल मेथड बता रहा हूं जिससे आप लोगों की एक्चुअल में ऑडियंस आएगी, कोई फेक क्लिक नहीं होगा, कोई अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा, और आप लोग जो हाई सीपीसी कंट्री हैं उनसे बहुत अच्छी ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी हमें जो है जनरेट करके दे रहा है हमारा यहां पर ये चैट जीपीटी के ऊपर। आप लोगों ने यहां पे टॉपिक चेंज करते जाना है, मैंने बताया ना हेल्थ, आप स्पोर्ट, फिटनेस, पता नहीं कितने टॉपिक है, आप लोग चैट जीपीटी से टॉपिक भी लिखवा सकते हैं, एक लिस्ट बनवा सकते हैं। इसको अब मैं यहां से पकड़ता हूं, कॉपी कर लेता हूं यहां तक, ठीक हो गया। मैं जस्ट 3 कर देता हूं, मैं फुल नहीं कर रहा, फुल 5 पॉइंट नहीं कर रहा, इसकी मैं मजा बताता हूं क्यों नहीं कर रहा। इसको यहां से करता हूं कॉपी, दोबारा हम लोग क्या करते हैं जी अपनी मेल में आते हैं, यहां पर इसको मैं नीचे कर देता हूं पेस्ट, ठीक हो गया जी। सब्जेक्ट के अंदर आप लोग बेशक चाहें तो वही वाला टॉपिक भी लिख सकते हैं जो मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है, ये वाला टॉपिक लिख सकते हैं, ठीक हो गया, सब्जेक्ट के अंदर। अच्छा, एंड पे ये 3 पॉइंट हो गया ना, मैंने कितने बोले हैं 5, अब 3 लिखे हैं ना, अब नेक्स्ट 2 पॉइंट के लिए मैंने क्या करना है, अब हम लोगों ने भाई सब पैसे एडस्टीरा से कमाने हैं। वो पैसे कैसे कमाने हैं, एडस्टीरा में दोबारा आते हैं, यहां पे इसको मैं रिफ्रेश करके देखता हूं, ये जो पेंडिंग में पड़ा था अब ये होप सो एक्टिव हो चुका होगा क्योंकि ये सिर्फ 30 सेकेंड या 1 मिनट ही लगाता है,
उसमें सिर्फ एक्टिव होने के लिए। तो अभी यहां से ये मेरा जो डायरेक्ट लिंक है, ये मैं यहां पर ये देखें अभी आपके सामने दिखाता हूं, मैं कुछ चीज स्किप नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं आप लोगों को सब पता चल जाए, ठीक है। ये देखें, ये जी मेरा डायरेक्ट लिंक 3 है, इसको यहां से कॉपी करूंगा। अब क्योंकि ये लिंक लंबा है तो हम लोग इतना लंबा वहां पे लिंक नहीं लगाएंगे। अब इसका क्या तरीका है, यहां पे मैं जाता हूं, सिंपली लिखते हैं शॉर्ट यूआरएल, ठीक है। आप लोगों ने भी गूगल में लिख लेना है शॉर्ट यूआरएल। यहां पे ये देखें शॉर्ट यूआरएल खड़ा है, इसके ऊपर हम लोग कर देते हैं क्लिक। जो मेरा लिंक है ना उसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट बनाता हूं, लिंक वही होगा, ठीक है। यहां पर इसको मैं शॉर्ट यूआरएल के ऊपर क्लिक कर देता हूं, लिंक वही होगा एड स्टीरा का, लेकिन ये देखिए आप थोड़ा सा शॉर्ट बन के आ गया है। इसको यहां से करता हूं मैं कॉपी। कॉपी करने के बाद दोबारा अपनी मेल में जाते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं नीचे जी रीड मोर, ठीक हो गया जी रीड मोर। और यहां पर मैं क्या कर देता हूं, अपना वो लिंक डाल देता हूं, और डालने के बाद इसको यहां से मैं कर देता हूं सेंड। अब ये क्या हुआ है, अब ये हुआ बेसिकली ये है कि ये जो मेरी मेल है ना, मैंने आपको बताया है, ये इतने सारे रियल में जो एक्टिव अकाउंट है ईमेल के उनके ऊपर चली गई है। अब अगर मैंने 200 बंदों को मेल सेंड की है, उनमें से अगर भाई साहब 20 बंदों ने भी मेल ओपन करके क्लिक कर दिया ना, तो आपको अंदाजा नहीं है कि यूएसए के या यूके के या जर्मनी के 20 बंदे जो है ना, या और जो हाई सीपीसी कंट्री हैं, इनके जो 20 बंदे क्लिक करते हैं ना, क्लिक करते हैं, उनके ऊपर कितनी अर्निंग आती है, ये आप लोगों की सोच है। ये एक रियल मेथड है, इसके अंदर फेक कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत मेरे भाई जरूर करनी पड़ेगी। आप लोग रोजाना सुबह उठेंगे, आप लोगों ने क्या करना है कि इसी तरह कंट्रीज की और टॉपिक की आप लोगों ने मेल निकालनी है, और आप लोगों ने उसको एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है ईमेल एक्सट्रैक्टर की, उसके अंदर मेल आप लोगों ने कॉपी करके बस सेंड करते जाना है, और नीचे लिंक लगाते जाना है। वहां से जितने लोग भी उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, उसकी अर्निंग हमारे पास यहां पे एडस्टीरा के अंदर ऐड होती रहेगी। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट करके बताना भी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज।